आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जयपुर शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट लो फ्लोर बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को आज मसाइल का सामना करना पड़ा है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड JCTSL इंतजामिया के इंतबात को नज़रअंदाज करते हुए 1000 से जायद मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से जयपुर शहर में 280 से ज्यादा निचली मंजिल और मिडी बसें आज नहीं चल सकी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर के एडिशनल कमिश्नर ब्रजेश चंदोलिया भी हड़ताल पर गए। मुलाजमीन से मिलने के लिए पहले दिन विद्याहर नगर डिपो पहुंचे थे, लेकिन मामला काम नहीं आया। अब शाम को खुद मुख्तार हुकूमत के सेक्रेटरी भवानी सिंह डिठा से मिलने की तजवीज है। JCTSL मुलाजमीन विद्याहर नगर डिपो के बाहर धरने पर बैठे हैं। आज जयपुर में सरकारी सिटी बसें न चलने की वजह से मुसाफिर निजी मिनी बसों, हेमू टैक्सियों, जादू में सफर करने पर मजबूर हुए हैं। साथ ही हड़ताल के पेश नजर प्राइवेट बस ड्राइवरों ने भी मौका से फायदा उठाया और मुकामी किराया 20 से 25% तक वसूल किया गया। JCTSL एम्प्लाइज यूनियन विपिन चौधरी ने बताया कि ये एजिटेशन आज और कल 2 दिन तक जारी रहेगी। इस दौरान अगर इंतजामिया ने हमारे मुतालबात पर कोई गौर नहीं किया तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। चौधरी ने कहा कि आज 280 से जायद बसें बगराना, तूड़ी, विद्यानगर और सिंगानैर डिपो से नहीं चली। इसकी वजह से आज तकरीबन 2 लाख मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। चौधरी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि जयपुर के लोग परेशान हों, लेकिन हमें हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से कोई सुनवाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। आगरा यूपी में पुलिस हिरासत में झाड़ू देने वाले अरवन वाल्मीकि की मौत के मामले में सियासत अब राजस्थान तक पहुँच गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अल्जमात आयद किया कि अरविंद वाल्मीकि के रिश्तेदारों को भरतपुर से उठाया गया और आगरा पुलिस स्टेशन में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। प्रियंका गांधी वजीर आला अशोक गहलोत से बात करेंगी। प्रियंका गांधी ने आगरा में रात गए अरविंद वाल्मीकि के खानदान से मिलने के बाद इसके राजस्थान तलक की बात की है। लखीमपुर खेरी की तर्ज पर राजस्थान हुकूमत और पंजाब हुकूमत से मुआवजा लेने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे मुआवजा मिलेगा, मैं अशोक गहलोत जी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि खानदान का एक हिस्सा भरतपुर से है, इसे भरतपुर जाकर उठाया गया, इसे यहां आगरा पुलिस स्टेशन में रखा गया है, यहां कोई असूल व जवाबित नहीं है। मुतासरा खानदान ने मुझे बताया कि हमें 10 लाख पकड़ा कर सोचें कि क्या हम खामोश रहेंगे। आगरा के झाड़ू अरविंद वाल्मीकि के थाने में मौत के बाद यूपी की सियासत गर्म हो गई है। कल रात प्रियंका गांधी ने जाँ बहक झाड़ू देने वाले के अहले खाना से मुलाकात की और इनकी बात सुनी और ताजियत का इजहार किया। प्रियंका गांधी ने अरविंद वाल्मीकि की 2 बेटियों की शादी के अखराजात और कानूनी मदद बर्दाश्त करने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी अब भरतपुर में रहने वाले अरविंद वाल्मीकि के कुंबा के अफराद के मामले में अशोक गहलोत से बात करेंगी और यूपी पुलिस के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और मुतासरा खानदान को मुआवजा मिलेगा। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के सेक्टर 20 में थाना पुलिस ने हिंदू तंजीमों और आरएसएस के दबाव में आकर ईद मिलाद उन नबी की जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के मुबीना नारे लगाने के अल्जाम में FIR दर्ज की है। वहीं इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद जफर, समीर अली, अली रजा के तौर पर कर रही है। पुलिस इनसे पूछ-गुछ कर रही है। हालांकि अभी वायरल वीडियो की तहकीकात में इसका इंकशाफ नहीं हो सका। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ताहम तशद्दुद भड़काने का केस दर्ज करते हुए 3 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार लड़कों के मोबाइल से नारेबाजी वाला कोई भी वीडियो नहीं मिला, जबकि जुलूस में मौजूद पुलिस वालों के मोबाइल में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन कहा जा रहा है कि मुखालिफ अफराद के पास पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की वीडियो है। अब ये पुलिस की कोशिश होगी कि सच्चाई सामने लाई जाए। सुबह से ही हिंदू तंजीमें थाने के बाहर जमा होकर एहतजाज करते हुए इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही थी। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आम शहरियों और गैर मुकामी मजदूरों की हालिया हलाकतों में मुलविस लोगों को अपने
करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर की सरजमीन से मिली टेंसी को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेंगे। इनका हमसाया मुल्क की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो भी जम्मू व कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश करेगा, इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मनोज सिन्हा इन बातों का इजहार जुमेरात को आर्मी पुलिस कम्प्लेक्स जोन में पुलिस यादगार दिन के मौके पर मुनक्दा एक तकरीब से अपने खिताब के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बेगुनाहों की हलाकतों की वजह से जम्मू व कश्मीर पुलिस के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हुआ है। एक नहते नौजवान पुलिस अफसर को भी निशाना बनाया गया। मुझे मालूम है कि ये तरक्की की रफ्तार को रोकने और समाज के हौसले को पस्पा करने की एक मजमूम कोशिश है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।